हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे को उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और बढ़िया कर रहे होंगे, अपनी फैमिली के साथ इस एक दिवाली को एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पे तो थोड़ा गड़बड़ है मामला। तो अभी यार देखो, मैं हूँ गोविंद सागर लेक के यहाँ पे, और वो सामने देखो वहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अगर गोप्रो जो है कैच कर पा रहा होगा फुटेज को। बाकी बहुत ही बढ़िया व्यू है अभी के लिए। यहाँ पे हल्की हल्की गर्मी भी लग रही है, मैं सही में बताऊं अगर। बाकी थोड़ा पहले ना यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि नीचे जो है ना मेरे को दिक्कत हो जाएगी बाद में, तो बाइक को यहीं से घुमा लेते हैं पीछे की ओर। तो चलो बैक को जाते हैं यहाँ से। वैसे मैंने सोचा था वो एंड पे जाके आऊँगा, ये देखो काफ़ी स्लिपरी है अभी के लिए, तो थोड़ा संभल के निकलना पड़ेगा। चलो वहाँ वहाँ तो काफ़ी पानी है। ओ अच्छा, इसलिए क्योंकि साथ में ही है पानी। ये देखो मेरा रियर टायर ऐसे घुमाना, अभी क्या ही बताऊँ। यहाँ फिर थोड़ा सूखी है, तो यहीं जैसे रहना पड़ेगा, वहाँ को नहीं जा सकते। थोड़ा सा यहाँ पे ना क्या कहते हैं अपना, क्या ले भाई होंगे, ठीक हो? कहाँ से हो? ओ बाइक का आपकी पीवी नंबर है। ऑल राइट भाइयों, तो अभी इस एक व्यू को बाय करने का टाइम आ चुका है। अब जो है अपना निकलते हैं, एक बढ़िया सी राइड मारते हैं, ठीक है? तो ग्लव्स ज़रा पहन लिए जाएं, और दोनों राइडर्स जो ऊपर आ चुके हैं जो आज राइड करेंगे मेरे साथ, ठीक है? तो चलो अब निकलते हैं हम लोग यहाँ से। तो लोगों का आना जाना यहाँ पे लगा रहता है, आते जाते रहते हैं लोग। मुझे रियर टायर में जो है ना हवा ज़्यादा लग रही है, तो किसी एक पॉइंट पे रुक के जो है चेक करवा लेंगे। ये पेट्रोल पंप है आगे, वहाँ पे देख लेंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है ऐसा। तो ऐसे डाउट में रहना क्यों, क्योंकि बाइक जो है सुनील लेके आया है, तो हो सकता है उसने बीच में फिल कराई हो। मैं वैसे जो है 31 ही रखाता हूँ टायर में, रियर टायर में, और 28 अगले वाले में। तो ये रहे दोनों भाई अपने, क्या हाल चाल है? ठीक हो? तो ठीक है, मेरे पास तेरा यार नंबर ही नहीं था, मेरा दूसरे वाला फोन हो गया खराब ना। कोल्ड डैम जाना किधर थे? फैक्ट्री वाला से। चलो तो अगे अगे रहे हो, तो फिर मैं चलूँगा पीछे पीछे। मैं एक जगह रुकना पहले ना, हवा करानी चेक करना, मेरा पिछला टायर बड़ा स्लिप मारा है गर्मा। तो देखो यार दोनों भाई निकल गए हमारे। बस सबसे पहले अपने को जो है ना वो है हवा चेक करवानी है, तो एयर करवा लेते हैं एक बार पहले चेक, उसके बाद फिर आराम से, क्योंकि एक अंदर से ना सेटिस्फेक्शन और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि रियर टायर में जो है हवा ज़्यादा है, तो बस उसी चक्कर में ना मेरे को कॉन्फिडेंस सा नहीं आ रहा, तो वो होना इम्पॉर्टेंट है, तभी मैं भी अच्छे से राइड कर पाऊँगा और इन्जॉय कर पाऊँगा टेंशन फ्री हो गए, क्योंकि अपने को टेंशन नहीं चाहिए रे बाबा, टेंशन बहुत है हमारी ज़िंदगी में। ओ यार ये निकल गए सीधे ही, मैं यहाँ कह रहा वो चेक है। तो वो दोनों भाई तो निकल गए आगे, थोड़ा खींचता हूँ। साथ में चला हुआ है आकाश,
टॉर्क ड्रिफ्टर नाम से भाई का ना इंस्टाग्राम पे पेज है, चेक करना एक बार, बहुत तगड़ी वीडियो बनाता है भाई। बहुत ही बढ़िया शानदार मेरे भाई गाए हैं, लेकिन वो तो दिख ही नहीं रहे यार, कहीं हवा चेक करवानी है सबसे पहले तो। मेरे को लगता है सैम भाई के वहाँ ना रुक गए हों वो लोग, आ तो रहे हैं शायद। गोल्डन जा रहे हैं भाइयों हम लोग आज, अच्छी जगह है ये, क्या लकी और ये आकाश टॉप ड्रिफ्ट और ठाकुर राइडर। अब आएगा थोड़ा मज़ा, साथ में चलेंगे अब सारे। भाई अपने थोड़ा सा पीछे रह गए हैं तो थोड़ा स्लो कर लेंगे हम उनके लिए, साथ में चलेंगे थोड़ा आराम से, राइड करने में मज़ा तभी आता है। सपोर्ट करो यार सभी को, हम लोगों को, तभी हम थोड़ा बड़े हायर सीसी पे जा पाएंगे। बेहतरीन तो देखो यार, यहीं से हम जो है ना राइट ले लेंगे कोल्ड डैम के लिए।
साइड पे अब थोड़ा ना अच्छा लग रहा है कि मैं हुडी पहन के आया हूँ ऊपर से। जैसे इस साइड को आए हम ठंड लगना शुरू हो गई हल्की हल्की, मतलब ठंडा है मौसम क्योंकि यहाँ पे वो नहीं पहुँच रही ना धूप, उस वजह से। अब साथ साथ चलेंगे ना, मैं आगे जाऊँगा ना पीछे। वैसे मेरी आदत है या तो मैं सबसे आगे रहता हूँ या मैं सबसे पीछे रहता हूँ, क्योंकि दो ही चीज़ होती है सेफर राइड, मैं इसी को मानता हूँ। बाकी सबका अपना अपना वो है प्रस्पेक्टिव। मेरा सोचना ये है कि अगर आपको सेफ राइड सेफ साइड पे रहना है तो या तो सबसे आगे चलो या सबसे पीछे चलो, तो मैं यही कोशिश करता हूँ हमेशा। तो अब थोड़ा पीछे से कवर करते हैं भाइयों को भी अपने, और दोनों ही बहुत अच्छी राइड करते हैं। मैंने बीच बीच में ना इनको डरा दिया होगा एक दो बार के लिए। एक बार पीछे जो है मोड़ पे मेरे को लगा सिक्स गियर है, मैंने गियर डाउन करा और वो फोर्थ पे गई तो गाड़ी ने एकदम से झटका लिया बाइक ने, तो मेरे पीछे लक्की चला था। मुझे नहीं पता कितना डिस्टेंस था लेकिन एक बार के लिए तो और लगा होगा इसको। इनको आगे होने देते हैं। सैडलिंग हो रही है भाई, वो एम टी पे अब बैठ गया भाई, जैसे मैंने बोला पता लग गया भाई क्योंकि पीछे से वीडियो बना रहा है भाई, सैडलिंग करते हुए वीडियो बना देगा, बेइज्जती कर देगा, ये तो धोती खोल देगा। एक तो इतनी शार्प टर्न्स है ना, अब देखो जैसे हम तीनों इकट्ठे हो गए हैं। अब सामने आप इतना प्यारा व्यू देखोगे ना, एक बार चेक करो आप लोग, बहुत ही बेहतरीन। है ना प्यारा, थोड़ा आगे रुक के बताता हूँ। अब मुझे क्या बताऊं, लोग आ रखे हैं वैसे पहले से यहाँ पे। बहुत ही बेहतरीन व्यू है गाइस, मजाक से हटके। कूड़ा और रखा है ना ये इकट्ठा नीचे ना, प्यारा क्या है यार व्यू, बहुत ही बेहतरीन। एक बार ना मैं नज़दीक जाके दिखाता हूँ, यहाँ से चेक करो आप लोग क्या ही व्यू है यार, और खाई नीचे को है ना प्यारी चीज़। कितना पानी भरा होगा यार इधर, है ना बहुत ही मज़ेदार यार, बिल्कुल ब्लू सा हो गया, ब्लू भी नहीं बोल सकते, ग्रीन एक बीच में कलर होता है ना पैरेट टाइप सा, पैरेट तो वैसे ग्रीन होता है, तो अब कैसा बताऊं मैं आप लोगों को,
बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन अब GoPro कैसा कैच कर रहा है वो पता नहीं मेरे को, पर मैंने जो आई से मैं देख पा रहा हूँ मैंने उसके बारे में आपको बता दिया। देखो बात ऐसी है कि धूप है तेज और मेरे को तो जो है भाई पानी पीना है। मैं काफ़ी टाइम से पहले इनका वेट कर रहा था तो वहाँ पे भी धूप ही में खड़ा रहा मैं काफ़ी देर, तो अब ऐसा है कि पानी वगैरह पी लूँ यार, बिल्कुल भी हाइड्रेटेड नहीं है बॉडी और बार बार मुंह सूख रहा है उसकी वजह से, तो पानी पीना है अपने को। अगर यहीं कहीं जैसे मिल गई शॉप कहीं पे ना, ये है पानी की बोतल होगी, दे दो एक। देखना भैया तो देखो यार, पहाड़ों में एक चीज़ का तो फायदा होता है कि आप लोग जो है ना फ्यूल की सेविंग कर सकते हो ऐसे। तो यार अभी हम ना नीचे को जा रहे हैं, यहाँ पे एक आगे जैसे ब्रिज है वहीं पे वीडियो वगैरह शूट करेंगे, रील्स वगैरह बेसिकली, तो थोड़ा इंस्टाग्राम के लिए भी कंटेंट निकाला जाए। वैसे कोई खास रीच तो अपने पास है नहीं और ना ही कोई खास ऑडियंस है इंस्टाग्राम पे, खास इन द सेंस काउंट्स में, बाकी तो सब खास ही हैं जो अभी तक हैं, बट ऑडियंस वाइज मैं कह रहा हूँ कि कोई बड़ा नंबर नहीं है, बट स्टिल कुछ शूट करना तो बनता है। सामने लकी जा रहा है सेटलिंग करते हुए। बाकी यार एक चीज़ मेरे ना आई थिंक 3 हफ्ते हो गए बैक पेन निकली हुई है बहुत गंदी, अभी मैंने फील करा पीछे रोड भी टूटा हुआ था ना, तो अब तो पीठ पे आ रही है जो है, पहले डिस्क में थी मतलब कमर पे, और अब जो है इस पे आ रही है। ये कहाँ गायब है लोंडा, कहाँ है ये, बिल्ली हो जाए आज। बढ़िया, पहली बारी में बढ़िया बिल्ली मार दिया तुम्हारे भाई ने। यार व्यू तो यहाँ पे भी बहुत प्यारा है यार, अकेले अकेले घर हैं लोगों के वहाँ, जैसे जैसे वो वाला घर वो ऐसे लाइन में, उसके बाद ऊपर को कोई घर नहीं है, उस साइड पे भी है एक घर, वो है एक, वो है ब्रिज के पास, जैसे एक बिल्ली और ट्राई करते हैं। चलो मैं भी रिकॉर्ड हुई हो बस बढ़िया मारी मैंने और थोड़ी लॉन्ग थी। तो देखो यार यहाँ पे रुके हुए थे अभी हम, तो अभी यहाँ पे जो है साइरन बजा, साइरन ही कहते होंगे आई थिंक, मुझे नहीं पता, हूटर तो, और वॉन्ग करा गया कि यहाँ से जो है जो भी लोग नदी के किनारे बैठे हैं, जैसे वो लड़के जो आप देख पा रहे हो वहाँ पे जो चल के जा रहे हैं वहाँ पे, वो यहाँ पे बैठे थे, वो भी उठ के निकल गए। तो एक गेट जो है वो खोलने वाले हैं अभी, पानी छोड़ने वाले हैं, तो अभी हम लोग भी यहाँ से जो है थोड़ा आगे जा रहे हैं वहाँ पे। वैसे तो हम यहाँ पे आए थे रील शूट करने के लिए, तो अब थोड़ा आगे निकलते हैं। और ये क्या टेस्टिंग व्हीकल यहाँ क्या कर रहा है, और आई डोंट नो कौन सी कंपनी का व्हीकल है ये, आई थिंक हुंडई है मे बी, ईवी वाली होगी, नहीं ईवी भी नहीं है यार ये तो, आई डोंट नो कौन से ब्रांड की है। तो यस यार वापसी हो रही है घर की तरफ और अब थोड़ा जोश है। फुल थ्रॉटल मोड ऑन है अपना, तो देखो यार भाई अभी जा रहे हैं अपना गागिस वाले रोड से। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट राइड पे। ओके मेरे भाई, रख ध्यान।